हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ टोटल 3 लाख रुपीस की बाइंग, जिसमें से यहाँ पर आप देख सकते हो जीरोधा में है मेरे पास 1.898 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट 2 लाख का फंड। और यहाँ पर अब स्टॉक्स में भी जस्ट मैंने मार्केट ओपन करते ही बाइंग किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि मैंने अब स्टॉक्स में क्या क्या बाइंग किया है। तो टोटल मैंने यहाँ पर अभी 16 स्टॉक्स जस्ट नाउ बाई किया है मार्केट ओपन होते ही। तो सबसे पहले मैंने लिया है फिन केबल्स, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 7 क्वांटिटी लिए फिन केबल्स, एवरेज आप चेक कर सकते हो और बाकी सब भी आप स्क्रीन में चेक कर सकते हो। फिन केबल्स के बाद कैनरा बैंक, वेल कॉर्प, ACI, HBL पावर, प्राइकॉल है ना, और यहाँ पर PEL, ये सारा कुछ आप देख सकते हो, NBCC एंड ऑल। जस्ट मैंने अभी फ्रेश बाइंग किया इसमें, ठीक है। तो ये सब मैंने 1 लाख के अभी जो वर्थ बाइंग की है, और अभी जो 2 लाख की बाइंग की है वो मैं आपके सामने करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी वेटेज के अकॉर्डिंग डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ जो है NTPC की बाइंग कर रहा हूँ। NTPC का प्राइस अभी ऑलमोस्ट चल रहा है 369 के आसपास, तो मैं इसका 100 क्वांटिटी बाई करूंगा, ठीक है। इसको मैं पहले थोड़ा साइड में हटा देता हूँ, 100 क्वांटिटी इसका मैं बाई कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल कम हुआ। NTPC के बाद हम लोग बाई करेंगे IOC, ठीक है। IOC को हम बाय करेंगे, इसके भी हम लोग बाय कर लेते हैं 100 स्टॉक्स, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के हम 100 स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो फेडरल बैंक है, फेड बैंक का हम लोग बाय करने वाले हैं 100 स्टॉक्स, ठीक है। तो बैंकिंग मैं सोच रहा हूँ फेड बैंक, उज्जीवन और अपना यूनियन बैंक लेने का। तो फेडरल बैंक के बाद हम लोग आते हैं ISMT पे, ठीक है। ISMT लेने के मैं कुछ टाइम से सोच रहा था, तो आज मैं इसको बाइंग कर रहा हूँ। तो ISMT की भी हम टोटल 100 स्टॉक्स ले लेंगे, ठीक है। और ISMT के बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैं फ्रेश बाइंग कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैं नया पोर्टफोलियो की राइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी 54 के हिसाब से उज्जीवन मेरे को मिल रहा है, तो मैं 200 स्टॉक्स इसका उठा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उज्जीवन के बाद मेरे को यूनियन बैंक में ले लेता हूँ, यूनियन बैंक में ऐड कर लेता हूँ। यूनियन बैंक अभी मेरे को लगभग मिल रहा है 150 के प्राइस में, ठीक है। 150 के प्राइस में अभी मिल रहा है, तो अभी क्योंकि 150 के पास में मेरे मिल रहा है, तो मैं इसको 100 क्वांटिटी में ऐड कर लेता हूँ, यानी कि 15,000 की मैं बाइंग कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, यूनियन बैंक हमारा बाय हो गया। यूनियन बैंक के बाद मैं पहले तो पावर ग्रिड लेने का सोच रहा था, लेकिन अभी पावर ग्रिड में नहीं लूंगा मैं, उसके बदले भी एक्जीकॉम का सोच रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हम एवन मोर को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एवन मोर अभी 120 के प्राइस से मेरे को मिल रहा है, तो इसका मैं ज़्यादा नहीं 50 स्टॉक्स इसको ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो 50 स्टॉक्स मैंने ऐड कर लिया एवन मोर का। उसके बाद फिर मैं BLS ऐड करना चाहता था कुछ टाइम से, तो BLS का मैं टोटल 30 स्टॉक्स, ठीक है, तो 30 स्टॉक्स ऐड कर लूँगा। और उसके बाद आपको मैं कभी जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला भी बताऊँगा, इमेजिका, ठीक है। इमेजिका को बाइंग करेंगे, अभी समर आने वाला है, तो अभी डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे मिल रहा है इमेजिका। तो अभी थोड़ा पहले एंट्री ले रहा हूँ, लेकिन ले रहा हूँ अभी एंट्री, है ना। तो इसके मैं ना ज़्यादा नहीं 125 शेयर अभी ले लेता हूँ 82 भाव से, ठीक है। और नेम इंडिया हम लोगों का निपोन AMU जो उसको कहते हैं ना, इसको भी मैं ले रहा हूँ। इसके हम ले लेते हैं 40 40 40 यूनिट्स हम इसको परचेस कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो रेलवे में मैं ले रहा हूँ RVNL, ठीक है। अभी RVNL में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं RVNL ले लेता हूँ। तो RVNL के मैं 100 स्टॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास 13.4K बचा हुआ है, जिसका मैं ऐड ऑन करूंगा एक्जीकॉम में, ठीक है। मैं पहले सोच रहा था पावर ग्रिड ले लूं, लेकिन अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि एक्जीकॉम ले लूं, क्योंकि पावर ग्रिड हाथ से थोड़ा निकल गया था, ठीक है। तो अभी 286.5 के हिसाब से मिल रहा है, तो अगर मैं मान के चलो 13,000 को 13,000 डिवाइडेड बाई 286 करूँ तो कितना होता है, तो लगभग 45 आएगा। तो मैं अभी इसको 40 क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। 40 क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ, तो ऑलमोस्ट 1.97 के बच गया है हमारे पास, जिसकी हम बाद में बाइंग करेंगे या तो कोई भी ऐड करते टाइम हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्जिकॉम 40,
निपोन AMU तो ये भी 40, उसके बाद RVNL के 100 स्टॉक्स, एवन मोर के 50, इमेजिका के 125, क्योंकि ये समर आ रहा है तो इसको मैं जैसे एक 90 का लेवल क्रॉस करेगा तो मैं इसको और एड ऑन करूंगा, ठीक है, क्योंकि समर में इमेजिका थीम पार्क एंड ऑल खुलेगा तो भागेगा स्टॉक। उज्जीवन फाइनेंस बैंक मैंने ले लिया, यूनियन बैंक और फेडरल बैंक, ये तीन बैंक में मेरे को इंटरेस्ट लगा तो मैंने ऐड कर दिया। IST MT ये भी ऐड कर लिया, IOC और NTPC फ्रेश मैंने अभी बाइंग किया ये सबके, ठीक है। तो ये है, आप चेक कर सकते हो, ये बाइंग सेल रिकमेंडेशन है नहीं, ठीक है। अब वेटेज आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, वेटेज कैलकुलेट करने के लिए आपका पोर्टफोलियो में कितना वेटेज है उसका कैलकुलेट करने के लिए सबसे तो पहले आप क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी के साथ जो आपका प्राइस होता है अभी के टाइम पे जो प्राइस होता है ना उसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो का कितना वैल्यू है उससे डिवाइड करोगे, इंटू 100 करोगे, तो वो आपका परसेंटेज वैल्यू बन जाएगा। तो ये अब स्टॉक्स में मैंने भी फ्रेश ये बाइंग की है, और यहाँ पर जो देख सकते हो मैंने यहाँ पर भी फ्रेश बाइंग की है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं इंडिविजुअल आपको बताऊंगा नहीं कि यहाँ पर क्या क्या बाइक है, आप एक बार चेक कर सकते हो। और यहाँ पर काइट में भी मैंने 0 दाम में भी बाइक किया है फ्रेश, तो टोटल हम लोगों ने अभी 3 लाख की बाइंग करी है। तो अगर आप 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो और 2 लाख का अलग से पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। स्टॉक्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छे है, ऐसे फालतू में हमने बाय नहीं किया है। बाकी जब भी डिप मिलेगा तो हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमने फंड्स रेडी कर रखे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, नए वीडियो में बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे।